सिद्धार्थ राज है। ये पानी इससे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लगभग 50 मीटर आगे ही। हेलो, गुड आफ्टरनून। कल रात के बाद, कल शाम के बाद आप लोगों से बात नहीं हो पाई। अभी लगभग 1 बज चुका है और कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे मैटलांग पे, तो लगभग 9-10 बजे हम डिनर रेडी कर रहे थे। तो वहाँ पे लोकल लोगों ने कंप्लेन कर दी थी कि वहाँ पे फिर पुलिस आ गई थी। तो उन लोगों ने थोड़ा पूछताछ की क्या कैसे क्यों। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट हमको वहाँ से आना पड़ा रात में ही 12 बजे के आसपास यहाँ पे आना पड़ा वापस। हमने वही होटल में चेक इन किया था और क्योंकि लेट आए थे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, डिस्टर्ब भी किया आगे, तो सुबह 3-4 बजे तक हम लोग सोए थे। तो इस वजह से लेट उठे। अभी सारा सामान पैक किया था क्योंकि बिखरा पड़ा था, वहाँ से फटाफट आना पड़ा था हमें। तो हो जाती है कभी कभी ये प्रॉब्लम। वैसे हमने लोकल लोगों से पूछा था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे, बट जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह थे उन लोगों ने कंप्लेंट की थी और पुलिस वालों ने इसलिए हमको वहाँ से हटाया था, ना कि उन लोगों की कंप्लेंट पे। यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, रात 9-10 बजे के बाद थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। किसी के भी जो लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल होती है उनको भी बंद कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ से आना पड़ा, तो हम लोग आ गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं डेविस मॉल की तरफ, वहाँ पे चल के मिलते हैं। अभी वापस वही रूम में और विपिन है, आदर्श और सौरभ बाहर हैं वो लोग अभी, तो चलते हैं मिलते हैं रास्ते। हाय एवरीवन, अभी होटल से आ गए हैं लॉक लगा के रूम का। अभी पैदल पैदल निकल रहे हैं डेविस फॉल की तरफ और गुप्तेश्वर महादेव केव है और वहाँ की तरफ। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ नहीं किया तो सोचा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और वैसे यूजुअली पैदल ही चलते हैं, पैसा भी बचता है ना। अभी 1:30 बज चुके हैं, सामने मेन रोड की तरफ चल रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी सिद्धार्थ राजमार्ग है उसकी तरफ जाते हैं, और ये मेन रोड ही है पोखरा में। ये इधर की तरफ लेक साइड की तरफ निकलता है और ये मेन जो सिद्धार्थ राजमार्ग है हाईवे की तरफ निकलता है। इसके राइट साइड में आप लोग फुटबॉल की तरफ जहाँ से हम लोग आए थे, और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड आगे राइट में ही टर्न होता है, तो वो काठमांडू की तरफ निकल जाता है और सीधा जो कि ऊपर की तरफ निकल जाता है हिली एरिया की तरफ। सिद्धार्थ राजमार्ग दिखाते हैं आप लोगों के लिए, जो मेन मार्केट भी एरिया भी है। तो यहाँ पे ऐसा फील होता है, मतलब पूरा जो पोखरा है वो बिल्कुल लैंड पे समतल है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊँचा कुछ नीचा, बिल्कुल प्लांड बोल सकते हैं उस तरीके से बनाया हुआ है। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, लेकिन आपको फील होगा कि दिल्ली का कोई एरिया है जहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। इस साइड पे सिद्धार्थ राजमार्ग जो मार्केट साइड है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील होगा। और रास्ते का कंस्ट्रक्शन काम है जो कि चल ही रहा है, तो धूल मिट्टी भी उसी तरीके से मिलती है, देखिए। तो फाइनली हम लोग डेविस फॉल के एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं। ये डेविस फॉल है, नेपाली में पताले छांगो, पाताल की देवी शायद वही होता होगा। तो इंटर करते हैं अभी। यहाँ पे इस तरीके के शॉप वगैरह हैं, जैकेट वगैरह कैप वगैरह ले सकते हैं। एक बार पूछना पड़ेगा अंदर क्या माहौल है, कैमरा वगैरह अलाउड है या नहीं है किसी से। चलो जब तक कोई टोकता नहीं है तब तक चलते हैं। कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं एंट्री टिकट वगैरह है या फिर नहीं है। टिकट है भाई, यहाँ पे पूछते हैं टिकट कितने का है। सर कितने का टिकट है? 80 रुपये। नेपाली कैमरा वगैरह अलाउड है? ठीक है, ठीक है। तो अभी विपिन टिकट ले रहा है, विपिन है साथ में मेरे में। जो 80 रुपये नेपाली का टिकट है एक पर्सन का, हम लोग दो हैं तो 160 नेपाली यानी 100 रुपये, एग्जैक्ट 100 रुपये इंडियन करेंसी पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी शॉप वगैरह हैं इस तरीके से, यहाँ से एंट्री करते हैं। अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं अतिथि देवो भवो, मतलब जो अतिथि है भगवान का रूप है समझ लो, वही इंडिया की तरह है, इंडिया से ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे लोग। ये मैप है, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा फोटो जोन एंड समर हाउस डेविस फॉल अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। सबसे पहले इधर चलते हैं, आप माहौल देखते रहिए। ये भैया पूरा हिमाल दिखाया हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ जो सामने है ये हिमाल। आगे चलते हैं,
ये बुद्ध भवन है इधर की तरफ, ये आई थिंक इतना ही एरिया है ऐसे जाके, और इधर से एग्जिट कर सकते हैं हवाघर। हवाघर देखते हैं इसमें क्या है, लोग भाग यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। अरे इसमें वो आई थिंक कलश वगैरह होगा जिसमें आपको सिक्का फेंकने, देखते हैं कि आप मतलब उसमें फेंक पाते हैं नहीं फेंक पाते, तो चलते हैं उधर से आके ट्राई करेंगे। वैसे सिक्का नहीं है, सिक्का मिल जाएगा आई थिंक यहाँ पे। नेपाली सांस्कृतिक पोशाक संग फोटो खींचना था, मतलब अंदर नेपाली जो सांस्कृतिक पोशाक में है उसके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। आ जा भाई विपिन आ जा। तो यहाँ पे आप इसके जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे जाइए, अपना चेहरा लगाइए और पिक्चर विक्चर खिंचा सकते हैं। अलग अलग हैं इस तरीके से, मस्त मस्त स्ट्रक्चर है। लाइक सबसे अच्छा मुझे ये लगा बॉडी बिल्डिंग भाई साहब, आप देखिए किस तरीके से यही जिनके सिक्स पैक नहीं है, एप नहीं है, चेस्ट नहीं है, लाइक मसल्स नहीं है, वो लोग यहाँ पे आके अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, अपना पिक्चर विक्चर ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉरनर भी हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, लोकल लोग भी हैं। तो ये लगभग 8-9 स्ट्रक्चर है जिनके साथ यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह ले सकते हो। तो अभी चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत हमें नहीं लेना पिक्चर क्योंकि वैसे भी पोशाक काफ़ी पहनी हुई है नॉर्मल भी। तो ये वो है इसमें आई थिंक बुद्ध है अंदर, उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर आप सिक्का पहने फेंकते हैं, आउटसाइड में जाता है नीचे तो आपकी विश शायद पूरी ना हो, अगर उसके ऊपर जाता है तो मानते हैं कि डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। अभी ये वो स्ट्रक्चर फोटो एरिया है सांस्कृतिक पोशाक के साथ, और ये क्या है देखते हैं अभी आगे चलते हैं। ये पूरा डेविस फॉल करके है निर्माण स्थल, लाइक विश्राम स्थल फ़ोटो वोटो लेने के लिए बैठने के लिए इधर बनाया हुआ है। गार्डन भी है पीछे, तो लगभग अपना एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी है, लगभग 30 से 32 के आसपास टेम्परेचर है इस टाइम पे, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने एक घंटे पहले नोटिस किया था। आप लोग देखिए ये माहौल है, शांति है, यहाँ पे छाव भी है और इस साइड में नीचे भी जा सकते हैं, देखते हैं किधर से जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये नेचुरल वाटरफॉल है, पानी आ रहा है, इसी की वजह से इसका नाम डेविस फॉल रखा है। इसका पता नहीं है कि ये आगे पानी कहाँ कैसे क्यों जाता है, तो मैं उस तरफ जाता हूँ और आप लोग देखिएगा, इस वजह से इसका नाम डेविस फॉल पड़ा है। मतलब पानी का ये आता है उसका पता है, पर तो कहाँ विलीन हो जाता है उसका कुछ आइडिया है नहीं। तो यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लोग बाग हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आई थिंक इधर से क्लोज है, इधर से दूसरी साइड से जाना पड़ेगा, अभी दूसरी साइड से चलते हैं हम लोग। तो पहले तो आप लोग यहाँ से देखिए, वहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा डेविस फॉल, तो मैं बिल्कुल उसके समीप लेके चलता हूँ आप लोगों को धीरे धीरे करके। काफ़ी संख्या में लोग बाग और बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक आपके टाइम काफ़ी भीड़ होती है, बट ये है कि हमें कल जो हम लोग आए थे, कल नहीं परसों, तब बताया कि 5 बजे के आसपास खुलता है, बट ये पूरे दिन ओपनिंग रहती है, शाम को 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा अंदर है जो कि पेड़ वगैरह हैं और इसकी वजह से इधर लोग जाएंगे तो फोटो वोटो एक्टिविटी करेंगे, तो शायद कोई गिर ना जाए उस वजह से। तो चलते हैं फटाफट से आपको डेविस फॉल दिखाते हैं जिसके लिए हम फाइनली इधर आए हैं। फिर उसके बाद सामने ही गुप्तेश्वर महादेव है, गुप्तेश्वर महादेव केव, तो अंदर वहाँ पे भी जाके देखते हैं कितना एंट्री टिकट है, बर्थ है, तो चलते हैं अंदर, नहीं तो वापस होटल और फिर उसके बाद यहाँ से चेकआउट करके निकलना भी है। तो देखिए क्या माहौल है यहाँ पे, ये माहौल है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये केव देखिए अंदर, पता नहीं कितनी गहरी है, कितना गहरा खाई है। इधर चलते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ से आपको पूरा वाटर है क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ से मस्त सीन दिख रहा है,
तो देखा इसी वजह से इसका नाम डेविस फॉल है, मतलब ऐसा चमत्कारिक रूप से कि पानी कहाँ जाता है। आई थिंक जाता तो नीचे ही है, बट इसका ये नहीं पता चला कि इस जो खाई बनी हुई है, गुफा बनी है, यहाँ से निकल के कहाँ निकलता है जो पानी है। तो थोड़ा बहुत देर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग, उसके बाद मिलते हैं सामने ही गुप्तेश्वर महादेव केव है, केव पे मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बस देव पे, गुप्तेश्वर महादेव पे अभी नहीं आए बैठ, क्योंकि उस साइड से सही से दिखा नहीं था, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ आप लोगों को सही से दिखाने की। देखिए जो केव है, ये पानी ऐसे नीचे जा रहा है और उसके बाद लुप्त हो जा रहा है, तो झरना टाइप है। तो चलते हैं फिर यहाँ से, फटाफट निकलते हैं, अभी वापस मिलेंगे तो गुप्तेश्वर महादेव पर मिलेंगे। अभी चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं गुप्तेश्वर महादेव केव पर। ये देखिए आप, ये एंट्री है, इससे कुछ दूर अपोजिट डायरेक्शन में लगभग 50 मीटर आगे ही जो डेविल फॉल है वो है। तो अभी चलते हैं सीधा, ये पूरी लोकेशन नहीं है, आगे स्ट्रीट नंबर 14 में जाना पड़ेगा। पहले पूछते हैं कितना दूर पड़ेगा, कितना दूर नहीं है। चलिए चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश पूर्ण हम लोग आप लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। जैसे ही किसी से पूछने गए अंदर, वहाँ गार्ड साहब खड़े थे, उन्होंने कैमरा बंद करवा के वहीं पे जमा करा दिया। यहाँ पे जमा करने के लिए भी है, वो खुद ही आपको टोकन देते हैं, उसके बाद आप आइए और लेके निकल जाइए। तो हो गया हमारा फिलहाल 1.5-2 घंटे हो गए हैं, अभी हम यहाँ से निकलना है वापस होटल पहुँच के चेकआउट करने का सोचना है। आज का दिन को बचाने की कोशिश कर ली है।